नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति में जगह नहीं मिलने से नाराज सपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को सीट आवंटन के संबंधित में हो रही बातचीत और निर्णय की जानकारी उसी समय पर नहीं दी गई। अब अखिलेश चाहते हैं कि अवधेश को पहली पंक्ति में जगह मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत के विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की श्रृंखलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कड़ी कोशिशों के बावजूद इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख मौतें हुई हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मौतें इसलिए हुई क्योंकि सड़कों पर नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है। स्कूल भवन का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अच्छी शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्कूल भवन का लोकार्पण करने के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम सभी के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। प्रत्येक बूथ पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा। गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्र नव निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था। हालांकि गुरुवार को नई सरकार बन गई थी। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा गुपचुप तरीके से वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि शहदारा विधानसभा में एक महीने में पिछले एक माह में भाजपा ने 11,018 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। ये एक डे नाइट टेस्ट है और पिंक बॉल से ये मैच खेला जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि आज भारतीयों में विदेशी पर्यटन की प्रति रुचि बढ़ी है। हर साल 10-15% की वृद्धि के साथ पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ पासपोर्ट जारी कर रहे हैं और ये 10 साल की वैधता वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भाई जनादेश देने के लिए राज्य की जनता को आभार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है ने पूरी बाजी पलट दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।